कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। गाइस आजकल थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, रमजान का महीना चल रहा है, आप लोग को पता होगा, नमाज और रोजे में जो है पूरा टाइम चला जा रहा है। ठीक है, तो आज का एपिसोड है, ये 9वां एपिसोड है, और इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल। इंटरव्यू में आपको किस तरीके से सवाल किया जाता है, किस तरीके से आपको जवाब देना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप इंडिया में भी इंटरव्यू देना चाहते हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, और आप अब्रॉड के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं या फिर किसी कहीं भी गल्फ के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं तो किस तरीके से आपको सवाल किए जाते हैं, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। और कौन कौन से सवाल किए जाते हैं, आपको सारे सवाल जो है इंग्लिश में किया जाता है, ठीक है ना? तो आपको उस हिसाब से प्रिपेयर रहना है। मैं हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ, इस इंग्लिश में भी वीडियो बना दूंगा, बहुत सारा वीडियो बना के रखा हूँ, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं हिंदी में बताने वाला हूँ कि कौन कौन से किस टाइप से सवाल किए जाते हैं, उस हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पहला सवाल हम बात करें, मैं बेसिक बात करने वाला हूँ, ठीक है ना? पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन मतलब अपने बारे में बताना। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपको किस तरीके से बताया जाता है? इंट्रोडक्शन में आपको बहुत ज्यादा आपका मम्मी पापा अपना गांव पूरा बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप सिंपल स्टार्ट करिए अपने नाम से, जैसे कि मेरा नाम यह है, विनेश टेक है, और मैं इस फील्ड में इतने साल से काम कर रहा हूँ, इस पोजीशन पे। पहले मैं इस कंपनी में काम कर रहा था, अभी मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से एकदम शॉर्ट में इंटरव्यू बताना है, ज्यादा कुछ वो करने की जरूरत नहीं, इंट्रोडक्शन। ठीक है, कौन कौन से यूनिट पे आप काम करते हैं ये जो है इंट्रोडक्शन में आपको बता देना, ताकि सामने वाले का माइंडसेट क्लियर हो जाए कि आपको किस बारे में सवाल करें। ठीक है, दूसरा है रेफ्रिजरेशन साइकिल। अगर आप एचवीएसी का जो है वो दे रहे हैं, तो इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपको ये पता होना जरूरी है, ये सबसे मेन पार्ट है। रेफ्रिजरेशन साइकिल, रेफ्रिजरेशन साइकिल किस तरीके से होता है, जो आपका रेफ्रिजरेशन किस तरीके से ट्रेवल करता है, वो सब चीजें आपको बताना है, सिंपल सा बनाना है, आपको बहुत जाम करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा कुछ आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ बताएंगे नहीं तो आपको ज्यादा ही डिफिकल्टी होगी। मेजर पार्ट बताइए, मेजर पार्ट बनाइए। ठीक है, जैसे कि जो भी पार्ट बना रहे हो उसका लिख दीजिए, जैसे है EXV या TXV लिख सकते हैं, या फिर मीटिंग डिवाइस लिख सकते हैं, बेहतर है कि मीटिंग डिवाइस लिखें। ठीक है, बेहतर है कि मीटिंग डिवाइस लिखें। ठीक है, यह है आपका एवापोरेटर, एवापोरेटर यह आपका कंडेंसर, ठीक है, यह आपका कंप्रेसर। ठीक है, एकदम सिंपल सा लिखना है, सिंपल सा बनाना है, इससे थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बना सकते हैं। ठीक है, आपका कंप्रेसर से जो है, जब कंप्रेसर स्टार्ट होता है तो यहाँ से सक्शन लाइन के थ्रू आपका कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को सक करता है, उसको कंप्रेस करके हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट करके इधर से आपको डिस्चार्ज लाइन के थ्रू आपको कंडेंसर में भेजता है। कंडेंसर का काम होता है वेपर रेफ्रिजरेंट को लिक्विड में कन्वर्ट करना। ठीक है, आखिरी तक आते आते यहाँ पे लिक्विड हो जाता है, लिक्विड इधर वेपर रेफ्रिजरेंट रहता है, इधर लिक्विड हो जाता है। ठीक है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट आपको जो है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट आपको TXV या मीटरिंग डिवाइस में एंटर करता है, तो वहां पे इसका प्रेशर रिड्यूस होता है, प्रेशर रिड्यूस होता है, तो उसके साथ साथ ये इसका जो है रेफ्रिजरेंट का ये एक पार्ट बोल सकते हैं कि जैसे उसका प्रेशर जो है रिड्यूस होगा, उसका टेम्परेचर भी रिड्यूस हो जाता है ऑटोमेटिकली लिक्विड रेफ्रिजरेंट का। ओके, जब प्रेशर रिड्यूस होगा तो उसका टेम्परेचर रिड्यूस होगा, वही लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है आपको एवापोरेटर में जाता है। एवापोरेटर का काम क्या होता है, आपके लिक्विड रेफ्रिजरेंट को बॉयल करना और उसको जो है लिक्विड टू वेपर में कन्वर्ट करना, फिर यही वेपर रेफ्रिजरेंट जो है आपको सक्शन लाइन के थ्रू आपके कंप्रेसर में आ जाता है, यही साइकिल आपको रिपीट होती रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सिंपल सा आपको बना लेना है, नाम लिख देना है, पार्ट्स लिख देना है, आपको बता देना है, बहुत ज्यादा आपको तामझाम एकदम कलाकारी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिंपल बता देंगे और लोग समझ जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको इंग्लिश में आपको जवाब देना है, इसका मैंने वीडियो बना रखा है, रेफ्रिजरेशन साइकिल का इंग्लिश में कैसे आपको जवाब देना है, उसका जो है लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर
देख सकते हैं या फिर डाउनलोड करके सीख सकते हैं, या फिर बार बार उसको चला के आप वहां से भी आप सीख सकते हैं किस तरीके से आपको इंग्लिश में आंसर करने हैं। ठीक है, एकदम बेसिक चीज बता रहा हूं। ठीक है, और आपसे अगर आप बताते हैं इंट्रोडक्शन में किस किस यूनिट पे काम किए हैं तो आपको जो है ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, वो लोग उसी से रिलेटेड आपको सवाल करेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्रेसर बोल सकते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्रेसर। टाइप्स ऑफ कंप्रेसर जो है, ऐसे तो नॉर्मली बहुत सारे टाइप्स के कंप्रेसर होते हैं, लेकिन जो नॉर्मली आदमी जवाब देता है वो इस तरीके से जवाब देता है, रोटरी। ठीक है, रोटरी, स्क्रॉल, स्क्रू, स्क्रू, और आपको सेंट्रीफ्यूगल। अगर आप एच वी एस टेक्नीशियन जवाब दे रहे हैं तो ऐसे भी जवाब देंगे तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं चलेगा। ठीक है ना, सेंट्रीफ्यूगल और जो है हार्मेटिक बोल सकते हैं या सेमी सेट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, हार्मेटिक। इस तरीके से आपको जो है जवाब जो है एग्जैक्टली टाइप ऑफ कंप्रेसर क्या होता है इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, उसका जो है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन अगर आप ऐसे भी बताते हैं रोटरी, स्क्रॉल, स्क्रू, सेंट्रीफ्यूगल, हार्मेटिक या सेमी हार्मेटिक, इस तरीके से आप बताते हैं तो भी एक तरीके से चल जाता है, लेकिन इस तरीके से ये प्रॉपर नहीं है। लेकिन ऐसे भी जवाब देते हैं तो ये भी हो जाता है, ये भी चल जाता है। ठीक है ना, उसके लिए बहुत लंबा प्रोसीजर है, बहुत लंबा नहीं है, मैंने चार्ट बना के रखे हुए हैं, एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक दे दूंगा, वहां देखेंगे तो टाइप्स ऑफ कंप्रेसर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन इस तरीके से आप जवाब देते हैं तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है ना, एटलीस्ट आपको ये तो समझ में आ जाएगा, इंटरव्यूअर को समझ में तो आ जाएगा कि हाँ बंदे को कुछ भी पता है। ठीक है, मेन बात होता है बंदा जो है इंटरव्यूअर आपको आपके नॉलेज को जांच रहा है, परख रहा है। ठीक है, कि आपको कितना नॉलेज है एयर कंडीशनिंग के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ मीटरिंग डिवाइस। देखो भाई, आप जब भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो अब्रॉड के लिए, ये सब बेसिक चीज है, आपको ये पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, चाहे एक चीज के बारे में पूछे, मीटिंग डिवाइस के भी टाइप्स आपको पता होंगे, अगर नहीं पता होंगे तो आप जान लीजिए। ठीक है, TXV होता है, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वॉल्व, EXV होता है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल्व, AXV, या देखो जितना भी मैं XV बता रहा हूँ ना, तो इसको क्या करते हैं, बहुत बहुत जगह आपको मिलेगा, जैसे बुक्स वगैरह में मिलेगा, जैसे TXV मैंने बोला है, तो TEV मिलता है। ठीक है ना, बहुत जगह बुक्स में आपको TEV मिलेगा, EXV मतलब EEB मिलेगा। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ इसका फुल नेम, AEV मिलेगा। ठीक है, ओरिफेस मिल जाता है, स्पेलिंग आपको ध्यान नहीं देना इतना, ओरिफेस मिल जाता है, और उसके बाद से आपको मिल जाता है फ्लोट टाइप एक्सपेंशन वॉल्व। ठीक है, इस तरीके से कुछ एक्सपेंशन वॉल होता है, TXV, TXV, EXV और AXV, इस तरीके से, क्यों, क्योंकि इस तरीके से हम जनरली बोलते हैं, लेकिन जब बात आती है तो इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा आपको बुक्स वगैरह में, TEV, EEV, AEV। TEV मतलब थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वॉल, EEV मीन्स जो है इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल, AEV मतलब ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वॉल, और ओरिफेस और फ्लो टाइप एक्सपेंशन वॉल। ठीक है, तो ये अलग अलग यूनिट में यूज होता है, आपको कुछ भी पूछ सकता है कि TXV कौन से यूनिट में यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल आपको कौन से यूनिट में यूज होता है, चाहे ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वॉल किस यूनिट में यूज होता है, तो TXV होता है, ये बहुत ही कॉमन होता है, ये आपको SSCU, PSCU या फिर छोटे बड़े यूनिट में आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है ना, EXV अभी जो है आपको मिनी स्प्लिट एसी में EXV आ रहा है, EEV आ रहा है बोल सकते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल, छोटा सा एक्सपेंशन वॉल आ रहा है, और आपको चिलर में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये वाला एक्सपेंशन वॉल आपको चिलर में देखने को मिलता है। AXV जो होता है ये आपको मोस्टली आपको जो है जहां पे हमारा टेम्परेचर
जितना सेट है, जैसे फॉर एग्जांपल 16-17 टेम्परेचर एक ही समान टेम्परेचर चाहिए होता है, वहां पे हमको ये जो है यूज होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारा जो है जो दूध को ठंडा रखने के लिए, जैसे एक नॉर्मल टेम्परेचर पे कि वो जमे भी ना और जितना टेम्परेचर है उतने पे ही रहे, उस तरीके से यूनिट बनाया जाता है। बहुत सारे रेफ्रिजरेटर में भी ये आता है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको कुछ इस तरीके से आपको जो है एक्सपेंशन वॉल आता है। इस तरीके से आप जवाब देते हैं तो भी जो है इंटरव्यूअर को ये समझ में आएगा कि आप जो है कुछ चीजों के बारे में जानते हैं या फिर आप जो है काम किए हुए हैं। क्योंकि देखो आप अगर टेक्नीशियन है इंजीनियर तो जा नहीं रहे हो कि एकदम डीपली क्वेश्चन किया जाएगा। हो सकता है कि डीप क्वेश्चन किया जाए, ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरीके से जवाब देते हैं इसका मतलब यह है कि आप काम किए हुए हैं, तभी आप ये सब चीजों को आपके बारे आपको इस चीजों के बारे में पता है, ठीक है ना। अगर आप काम नहीं किए होते तो ऐसा पता नहीं होता, क्योंकि टेक्नीशियन में जा रहे हैं तो आपको काम ही करना है, ठीक है ना। हो सकता है एक टाइम के बाद आपको जो है सीनियर बनते हैं तो उसमें आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़े क्लाइंट को, लेकिन क्लाइंट को भी इतनी डीपली नॉलेज होती नहीं है। बहुत सारे लोगों को होती है, बहुत सारे लोगों को नहीं होती है, मोस्टली होता नहीं है। तो अगर आप इस तरीके से जवाब देते हैं तो क्लाइंट जो है इंटरव्यू जो ले रहा है उस तरीके से, तो वो भी ये समझेगा कि हाँ आपको कुछ तो काम का पता है, ठीक है ना। मेन होता है नॉलेज, ठीक है। और एक चीज मैं भूल गया, कैपिलरी ट्यूब का, कैपिलरी ट्यूब जो है मैं भूल गया, कैपिलरी ट्यूब भी है, ये मेटिंग डिवाइस के पार्ट है, ठीक है ना। आपको नॉर्मली जो है स्प्लिट एसी या विंडो एसी में आपको देखने को ये मिल जाता है, कैपिलरी ट्यूब नॉर्मली आपको देखने को मिल जाता है। ये भी अगर आपको पूछता है कोई भी कि कैपिलरी ट्यूब जो है मेटिंग डिवाइस का पार्ट है या नहीं है, तो आपको इस बता सकते हैं कि, या फिर आपसे पूछ लेता है कि स्प्लिट या विंडो में कौन से मेटिंग डिवाइस लगे होते, तो आप बता सकते हैं कि कैपिलरी ट्यूब लगा रहता है। और नए वाले में जो है अभी जो इन्वर्टर एसी आ रहा है तो उसमें आपको ईईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल भी देखने को मिल जाता है। इस तरीके से आप सवाल किए जा सकते हैं, ठीक है ना। ये पूरा बेसिक सा मैंने आपको जो है बताया हुआ है चार चीजें, ठीक है। पांचवा हम बात कर लेते हैं कंप्रेसर रिप्लेसमेंट या कंप्रेसर टेस्टिंग बोल देते हैं, ठीक है। कंप्रेसर को टेस्ट किया कैसे जाता है? देखो कंप्रेसर को टेस्ट करने के लिए जैसे ये देखो CSR या फिर ये कंप्रेसर मान लो T1 T2 T3, ये थ्री फेस हो गया, ये आपको सिंगल फेस हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको कंप्रेसर मिलते हैं। तो आपके पास क्लैमीटर होना चाहिए, क्लैमीटर से आप कंप्रेसर को टेस्ट कर सकते हैं, आप मेगर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास मेगर है तो पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले ये तीन जो टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं ये तीनों टर्मिनल की कंटिन्यूटी हमको आनी चाहिए। जो भी अगर हम सिंगल फेस में चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी, तो डिफरेंट डिफरेंट कंटिन्यूटी आएगी। अगर यहाँ से यहाँ के बीच में चेक करेंगे तो मान लीजिए 1.2 जो आ गया ओम्स आ गया, ओम्स में आता है, ठीक है ना। कंटिन्यूटी जब चेक करेंगे तो अगर यहाँ पे चेक करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल 1.5 आ गया, और ये जब चेक करेंगे तो ये समझिए 2.0। तो सबसे कम जो है कंटिन्यूटी आता है आपको सी और आर के बीच में जो है आपको कम ओम्स देखने को मिलता है जब आप कंटिन्यूटी से चेक करेंगे तो, ठीक है। तो ये चीजें ऐसे होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आप ग्राउंड से भी चेक कर लें। आप एक एक टर्मिनल से ग्राउंड से चेक कर लें कि आपका किसी भी टर्मिनल ग्राउंड के साथ बीप तो नहीं कर रहा है, बजर तो नहीं बज रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपका कंप्रेसर ठीक है। अगर बज रहा है तो कंप्रेसर खराब है, ठीक है ना। अगर आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं हर जो है टर्मिनल के बीच में, अगर टर्मिनल के बीच में कंटिन्यूटी अच्छा बीप नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपका जो है कंप्रेसर के टर्मिनल में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर आपका एक टर्मिनल जो है खराब है जिसकी वजह से बीप नहीं आ रहा है, ठीक है। उसी तरीके से आपको थ्री फेस में भी है, थ्री फेस में जो रीडिंग आती है समझ जाइए कि अगर T1 और T2 को चेक करेंगे, अच्छा T3 को चेक करेंगे, जैसे T1 T2 को चेक किए तो हमारा 2 आ गया ओम्स, ठीक है। इसी तरीके से हम T2 और T3 भी चेक करेंगे तो हमारा 2 ही ओम्स आएगा, और T1 और T3 को भी चेक करेंगे तो 2 ओम्स आएगा, ठीक है। ये होते हैं जो है थ्री फेस का, जब भी जितने भी टर्मिनल होते हैं, जैसे तीन टर्मिनल है तो उसमें आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो सेम रीडिंग आएगी। सेम रीडिंग आता है इसका मतलब जो है ये थ्री फेस का कंप्रेसर
कंप्रेसर है, अगर मान लीजिए T1 T2 T3 मिस हो गया किसी वजह से, तो आप ये सब पता भी लगा सकते हैं कि सेम रीडिंग आ रहा है मतलब, और ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है तो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना। 0.1 का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोस्टली जो है सेम आता है। उसके बाद इसका भी ग्राउंड आपको चेक कर लेना है, सब टर्मिनल के साथ ग्राउंड आपको चेक कर लेना है, ठीक है ना। मेगर में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। मेगर जब आप करते हैं तो ऐसे ही होता है, आपको एक एक कर से ग्राउंड से चेक कर लेना है हर टर्मिनल को, और हर टर्मिनल के बीच में आपको ओम्स चेक कर लेना है, ओमेगा ओम्स में चेक होता है, ठीक है। तो आप समझ में होगा कंप्रेसर की टेस्टिंग में बेसिक बेसिक चीज बता रहा हूँ, ताकि आप अच्छे से इस पे वीडियो देख सके और अच्छे से समझ सके कि आपको क्या क्या सवाल किए जा सकते हैं। सेम इसी तरीके से होता है कि आपको कंडेंसर फैन चेक करना है तो, और कंप्रेसर टेस्टिंग में सिर्फ ये मैंने इलेक्ट्रिकल बताया है, जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम हम एम्पियर भी चेक कर सकते हैं, अनलोड पे जैसे कि विदाउट लोड पे हम एम्पियर चेक कर सकते हैं कितना एम्पियर होना चाहिए, और लोड पे भी कितना एम्पियर होना चाहिए उतना एम्पियर होना चाहिए, और किसी तरीके का साउंड नहीं होना चाहिए कंप्रेसर में, कोई अबनॉर्मल साउंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आपको 6 में जो है आपको कंडेंसर फैन, कंडेंसर फैन के बारे में मैं आपको दो तीन चीजें बता देता हूँ, सेम जैसे इसी तरीके से बता देता हूँ, समझ जाइए कि ये आपका फैन है, इसमें से ये 3 वायर निकली हुई है, 5 वायर वाली भी आती है जो आपको विंडो एसी में लगती है, 1 2 3 4 5, ये फैन होता है, 5 वायर वाली भी फैन होती है, 3 वायर वाले में एकदम सिंपल से रहता है, CSR कॉमन रन स्टार्ट होता है। और इसमें क्या होता है, आपको 2 कैपेसिटर के वायर होते हैं, यस और आर, और ये तीनों हाई मीडियम लो होता है, ठीक है ना। ये तीनों जो स्पीड की वायर होती है हाई मीडियम लो, इसमें जो है आपको 1 कैपेसिटर लगेगा इस तरीके से, इसकी डायग्राम की अगर बात करेंगे तो, ठीक है। और यहाँ पे आपको सी में न्यूट्रल लग जाएगा, यहाँ पे आपको आर में फेस लग जाएगा, ठीक है, ये आपका जो है चलने लगता है। इसी तरीके से हम तीनों की कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे, हम कंटिन्यूटी से, तो उसमें भी आपको जो है ओम्स आने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट ओम्स आना चाहिए। अगर इसमें चेक कर रहे हैं तो इसमें इसमें देखो इस तरीके से होता है, ग्राउंड सबका चेक कर लेना है, ठीक है ना, ग्राउंड हमको सबका चेक कर लेना है। और 3 फेस की हम जो है कंडेंसर मोटर की बात कर लेंगे, तो वो भी आपका L1 L2 अच्छा T1 T2 T3 ही होता है, ठीक है ना, T1 T2 T3 इस तरीके से जो है उसमें भी होता है। तो इसमें भी आपको वही करना है सेम, इसमें रीडिंग भी जो तीनों के बीच में जब चेक करेंगे तो सेम ओम्स में रीडिंग आएगा, जैसे 2.5 ओम्स है तो 2.5 ओम्स ही आएगा तीनों के बीच के, रीडिंग जो है इतनी ही आएगी, ठीक है। उसके बाद से आपको ग्राउंड में भी चेक करना, याद रखे जब आप भी चेक कर रहे हैं कोई भी कंडेंसर मोटर तो आपको ग्राउंड भी चेक कर लेना है, और साथ साथ जो है ये पंखा को घुमा के चेक कर लेना है कि आपका ये स्टक तो नहीं है फैन। और दूसरा चीज, फैन में प्ले है कि नहीं, जब फैन ब्लेड को थोड़ा सा ऐसे घुमाएंगे, ऐसे ऊपर नीचे करेंगे तो थोड़ा प्ले रहेगा, लेकिन ऐसे करेंगे तो प्ले नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको कंडेंसर फैन चेक कर लेना, मैं बेसिक सी चीज बता रहा हूं। और आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे कि पीएम में क्या करते हैं, जैसे कि जैसे मान लीजिए आप HUF CU वगैरह में, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया हुआ है कि आपको क्या क्या काम आता है, ठीक है, तो उस हिसाब से हम आपसे पूछे जा रहे हैं HU में जब आप PM करेंगे तो क्या किन किन चीजों का ध्यान देना है आपको। तो HU या FCU दोनों सिमिलर होते हैं, साइज का फर्क होता है, ठीक है, जो छोटा होता है वो FCU होता है, जो बड़ा होता है वो HU होता है, ठीक है। तो HU में जब हम चेक करेंगे, देखो HU में कितनी, समझ जाओ आप इस तरीके से डायग्राम, थोड़ा सा आसानी होगी। यहाँ पे आपको ब्लोअर मिल जाएगा, ठीक है ना, ब्लोअर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे आपको मोटर मिल जाएगा, यहाँ पे ऐसे बेल्ट मिल जाएगा, ठीक है, जो ब्लोअर और बेल्ट में लगा होता है, ठीक है, ये मोटर मान लीजिए। तो उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फैंस रहेगा,
ये आपको फेंस रहेगा, फेंस बोले तो कूलिंग कॉइल वगैरह रहेगा, और यहाँ पे आपको रिटर्न एयर का रहेगा, यहाँ पे सप्लाई एयर रहेगा, ठीक है। ये सप्लाई एयर डक्ट है, ये आपको रिटर्न एयर डक्ट है, यहाँ से आपका हवा खींचता है, और यहाँ से खींचता है बोले तो आपका ये डक्ट बना के आपको कमरे में लेके जाया रहता है, तो कमरे से आपको रिटर्न हवा खींचता है और कमरे में ही दोबारा सप्लाई करता है, ठीक है। बहुत जगह ये होता है कि इसके जगह पे रिटर्न ना होने की जगह पे फ्रेश एयर लगा देता है, जैसे मान लीजिए कि आपको रूम कमरे में एक और रिटर्न एयर का डक्ट नहीं लेके गया है, ऊपर ही अगर अगर टैडिस वैडिस लगा है तो यहाँ पे ओपन कर देता है, वहीं से फ्रेश एयर लेगा, आपको सप्लाई कर देगा आपको आपके कमरे में कंफर्ट जोन में, ठीक है। तो इसमें आपको आके चेक कर लेना है मोटर, मोटर आपको चेक कर लेना है कि मोटर आपका ठीक है कि नहीं है, उसमें जो पुली होती है, ठीक है, जो पुली होती है वो आपका पुली बराबर है कि नहीं है, वो ज्यादा घस तो नहीं गया है, ठीक है ना। तो आपको उसमें चेक कर लेना होता है, आपका वी वेल्ट चेक कर लेना होता है, ठीक है, आपका वी वेल्ट चेक कर लेना होता है, वी वेल्ट आपका ब्रोकन तो नहीं है ना, और उसके बाद ये सब चेक, अगर ब्रोकन है तो चेंज कर देना है, या फिर थोड़ा भी कटा वटा है तो उसको चेंज कर देना है, ठीक है। और ग्रीसिंग कर देनी है मोटर में, और यहाँ पे भी ऑप्शन रहता है ग्रीसिंग का, आपको पीएम में जाएंगे तो ये करना है। फिल्टर लगे होते हैं यहाँ पे रिटर्न एयर पे, आपको फिल्टर लगे होते हैं, फिल्टर निकाल के फिल्टर क्लीन कर लेना है, और क्वाइल को अगर इन्वॉल्व कर रहे हैं या फिर क्वाइल को जरूरत है क्लीन करने की, तो क्वाइल को भी वाटर वॉश से कर लेना होता है, वाटर से क्लीन कर लेना होता है। ये तो आपको एचयू में क्या क्या चीजें जो है आपको रहती है, बहुत ही सिंपल, एक मोटर रहेगा, ब्लोअर रहेगा, बेल्ट रहेगा, फैंस रहेगा, और आपको रिटर्न एयर फिल्टर रहेगा, आपको सप्लाई एयर डक्ट रहेगा, तो उसमें आपको हवा जाती है, फ्रेश हवा जाती है, ठंडी हवा जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम चेक करते हैं कब, जब हम एचयू जो है पीएम करते हैं, तो एसीसीयू में क्या करते हैं, एसीसीयू या पीएसयू बोलेंगे तो पीएसयू, एचयू और पीएसयू दोनों का कंबाइन हो जाता है पीएसयू, ठीक है। तो एसीसीयू में क्या करते हैं, एसीसीयू बोले तो एक आउटडोर यूनिट, एक आउटडोर यूनिट में क्या रहता है, एक आउटडोर यूनिट में क्या रहता है, कंप्रेसर रहता है, ठीक है, कंडेंसर कॉइल रहता है, कंडेंसर कॉइल रहता है, और यहाँ पे आपको फैन मिल जाएगा, फैन रहता है, ठीक है, यहाँ पे वायरिंग बॉक्स रहती है, कंट्रोलर बोलते हैं इसको, ठीक है, इस तरीके से रहता है। ये मान लीजिए कंप्रेसर है, ठीक है, एक वायर पाइप इससे निकला हुआ है, तो इसमें हम क्या, हमको क्या क्या चेक करना होता है, सबसे पहले जो हमारा काम है, अगर हम यूनिट पे जाते हैं देख रहे हैं हमारा यूनिट नॉर्मल चल रहा है कि नहीं, नॉर्मल चल रहा है तो उसको बंद कर लेंगे, या फिर नॉर्मल चल रहा है तो इस टाइम हम कंप्रेसर का एम्पियर नोट कर लेंगे, कंप्रेसर एम्पियर, एम्पियर और वोल्टेज, ठीक है, एम्पियर और वोल्ट जो है नोट कर लेंगे, ठीक है। उसी तरीके से हम कंडेंसर फैन का भी एम्पियर और वोल्ट जो है नोट कर लेंगे, ठीक है, वोल्टेज नोट कर लेंगे, कहाँ से नोट करना है, कंट्रोलर पैनल में, वहां पे कॉन्टेक्टर लगा होगा, वहां से आपको चेक कर लेना है, ठीक है। कंप्रेसर को बंद करेंगे, फ्रीऑन भी आप चेक कर सकते हैं आपका मन है तो, अगर आपको सही लग रहा है एम्पियर तो फ्रीऑन चेक करने की जरूरत नहीं है, फ्रीऑन भी अगर आपको चेक करना है तो फ्रीऑन भी चेक कर सकते हैं इसका। ये चीजें चेक कर लिए, फ्रीऑन में सक्शन और डिस्चार्ज होता है, ठीक है, सक्शन और डिस्चार्ज दोनों का प्रेशर चेक कर लिए। यहाँ पे आपको कंडेंसर कॉइल लगा होगा, कंडेंसर कॉइल ऐसे, ये कंडेंसर कॉइल को आपको क्लीन करना होता है, ठीक है। उसके बाद से कंडेंसर कॉइल क्लीन कर लिए, मोटर में जो है प्ले है कि नहीं, अभी मैं बता रहा था, मोटर में प्ले चेक कर लेना होता है, प्ले है कि नहीं है, मोटर आपका थोड़ा भी स्टक नहीं हो रहा है ना, जाम तो नहीं है, ठीक है ना, ये सारी चीजें चेक कर लेनी होती है। कंट्रोलर में आप जाएंगे तो कंट्रोलर में चेक कर लेना, एक एक वायर चेक कर लेना, एक एक वायर में जैसे कोई वायर हीटअप तो नहीं है, कोई वायर हीटअप तो है, हीटअप रहेगा तो आपको रिप्लेस कर लेना है। कंप्रेसर के टर्मिनल के भी वायर चेक कर लेना है कि आपको कंप्रेसर का टर्मिनल का वायर कहीं हीटअप तो नहीं है, चाहे फिर कार्बन तो नहीं लगा हुआ, तो उसको ठीक कर लेना होता है, उसको सही कर लेना होता है। आपको कंट्रोलर में एक चीज और चेक करना है, फ्यूज वगैरह चेक कर लेनी है, कॉन्टेक्टर, कॉन्टेक्टर जो है बहुत सारे कॉन्टेक्टर में आप देखेंगे तो जो प्लेट्स लगी होती है यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से जो जोड़ती है प्लेट्स, कभी कभी ये प्लेट्स में ज्यादा कार्बन लगे हो जाते हैं, तो प्लेट्स में ज्यादा कार्बन लगा हुआ है अगर नॉर्मल है थोड़ा बहुत, तो
आप क्लीन कर सकते हैं, चलेगा। ज्यादा देखेंगे यहाँ पे जैसे बर्न हुआ है थोड़ा बहुत और चल रहा है, उसी में कार्बन लगा हुआ है, तो उसको रिप्लेस करना होता है। क्योंकि आप आए हैं पीएम करने के लिए, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने के लिए, तो उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का क्या काम होता है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का काम यही है कि हम कुछ मेजर इश्यू होने से पहले ही उस चीज को हम प्रिवेंट कर रहे हैं। हम मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको अगर कंट्रोलर में वायर अगर हीटअप है, जैसे कोई वायर देखेंगे तो अगर मान लीजिए आपका आपने जो है पहले ही यूनिट को ऑफ करके रखा हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप जब जाएंगे वहां पे ऑफ यूनिट है देखेंगे अगर कोई भी वायर हार्ड दिख रहा है, इसका मतलब वो हीटअप हो गया। हीटअप हो गया है तो उसको हमको रिप्लेस करना है। अगर हम कॉन्टेक्टर बंद हुआ है या फिर जो है कार्बन आया हो, तो उस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, हम कॉन्टेक्टर को रिप्लेस करेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से हमको करना होता है। कंप्रेसर के टर्मिनल बार बार जो है ज्यादातर जो है कंप्रेसर के टर्मिनल जो है आपको जो है हीटअप दिखेंगे वायर, तो उस समय आपको क्या करना हो, कंप्रेसर के टर्मिनल को भी रिप्लेस करना होता है, ठीक है ना। ऐसी कैसी चीजें हैं आपको ध्यान देनी है, आपको कंडेंसर क्लीन करना है, फिर से एसी को चालू करना है, यूनिट को चालू करना है, यूनिट को चालू करने के बाद वापस से आपको जो है आपको एम्पियर लेना है कंप्रेसर के और फैन के, जैसे फैन के एम्पियर ले लिए और उसके बाद फ्रियोन ले लिए सक्शन और डिस्चार्ज का, वो नोट कर लेना है जो है ना, जितना यूनिट पे लिखा हुआ है उतना ही एम्पियर वोल्टेज और फ्रियोन होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको चीजें जो है किया जाता है जब ACCU, जब भी कोई आप ACCU की बात करें, अगर आप नए हैं, मान लीजिए कि आप नए आप फ्रेशर आप कभी गए ही नहीं है, तो अगर उस सिचुएशन में अगर आपको ACCU पूछा जाएगा, तो आप एक बात याद रखिए कि ये भाई साहब जो है हमको आउटडोर के बारे में पूछ रहे हैं। आउटडोर मतलब डक्टेबल का आउटडोर, आपने देखा है ना, डक्टेबल का आउटडोर, उसी को हम ACCU बोलते हैं, जिसको हम बोला जाता है। ACCU का फुल नेम होता है एयर कूल्ड कंडेंसर यूनिट, ठीक है ना, एयर कूल कंडेंसर यूनिट, ठीक है, ACCU का फुल नेम होता है। अब ये मत सोचने लगेगा ACCU क्या चीज होता है, आप समझ जाएंगे भाई वो आउटडोर के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। मतलब बस ये है कि टन में फर्क है, जैसे छोटा ACU होता है, ACU बोले तो जो छोटी स्प्लिट यूनिट होती है, 2 से 2.5 टन तक, 0 से 7.5 से जो है 2.5 टन तक वो ACU में आती है गिनती, ठीक है ना। ACU अगर बड़ा यूनिट रहेगा तो आपको आएगा ACCU लिख के आएगा, ठीक है ना। तो अगर ये चीज के बारे में पूछ रहा है तो आपको ध्यान देना है। PSU का पूछ रहा है, PSU, ठीक है, PSU के बारे में पूछे, बोलेगा अच्छा PSU के बारे में बताओ, तो PSU के बारे में मैं आपको इतना बता देता हूँ कि PSU क्या है। PSU एक विंडो एसी का पार्ट है, विंडो एसी बोले तो पैकेज एसी, PSU मतलब प्रेशियस एयर कंडीशनिंग होता है, या फिर पैकेज एयर कंडीशनिंग आदमी आम लैंग्वेज में बोला जाता है, ठीक है ना। पैकेज बोले तो क्या, विंडो एसी, विंडो एसी क्या है, एक ही पैकेज रहता है उसी को हम बोलते हैं पैकेज एसी। तो PSU की बात कर रहा है तो मतलब विंडो एसी की बात नहीं कर रहा है, PSU की बात कर रहा है, क्योंकि वो 10 टन 20 टन 40 टन का जो है पैकेज एसी है। जैसे आपको सेफ जो है सब कुछ जो है विंडो एसी की तरह मिलेगी, लेकिन उसमें जो है एयर सप्लाई जो होता है डक्ट के थ्रू होता है, रिटर्न और सप्लाई, ठीक है ना। जैसे मैंने एचयू बनाया था ना, उसी तरीके से उसमें कंप्रेसर भी रहेगा, जैसे आपने विंडो एसी देखा होगा तो उसमें कंप्रेसर भी रहेगा, कंडेंसर भी रहेगा, एवापोरेटर भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, उसको बोलते हैं हम PSU यूनिट, ठीक है। तो इस तरीके से हम PSU यूनिट की बात करें। अगर आप नए हो तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, दो चीज ACCU और PSU, ये चीज आप जो है समझेंगे तब जाके जो है, जैसे आप नए हैं तो आप जैसे इंडिया में बहुत ही कम ही लोग इसको ACCU यूज करते हैं, चाहे PSU यूज करते हैं नाम ये, ठीक है ना। हम लोग इसको बोलते हैं डक्टेबल, डक्टेबल जो कि ये भी ठीक है डक्टेबल, लेकिन जब आप फॉरेनर आ रहा है, जैसे गल्फ का कोई बंदा आ रहा है, जैसे मैं मेरा 8 साल का गल्फ का एक्सपीरियंस है, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप कभी भी इंटरव्यू जाए तो ऐसा ना हो, अरे यार मैं तो ये पूछा था तो मैं बता नहीं पाया, जिसकी वजह से मैं जो है रह गया, फेल हो गया। तो आपको ये सिंपल सी चीज है, ACCU क्या है, PSU क्या है, आप समझ गए होंगे। तो कुछ इस तरीके से आप वो सवाल करेंगे, समझ गया ना, आपको बहुत ज्यादा सवाल नहीं करेंगे क्योंकि आपने पहले ही बता दिया। अगर चिलर के बारे में जो है आपने बताया हुआ है, चिलर क्या, चिलर का भी काम आता है, तो उसमें आपको जो है चिलर का रेफ्रिजरेशन साइकिल पूछ सकते हैं, चाहे वाटर साइकिल पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से अगर चिलर के बारे में अगर आप बताए हुए हैं तो ठीक है, या फिर किस तरीके से जो है वहां पे ट्रबल आते हैं, आप किस तरीके से ट्रबल आप चेक करते हैं, या फिर डेली रूटीन क्या है आपका चिलर के लिए जब जाते हैं, तो उसमें जैसे वाटर का इनलेट टेम्परेचर हो गया, डेली रूटीन में क्या होगा, यही तो होगा ना।
वाटर का इनलेट टेम्परेचर है, वाटर इनलेट आउटलेट टेम्परेचर होगा। ठीक है, वाटर का इनलेट आउटलेट टेम्परेचर होगा सब कुछ। उसमें कोई अलार्म तो नहीं है आपके पैनल पे? ठीक है, पैनल में कोई अलार्म नहीं है, पैनल में अलार्म है तो उसको कैसे चेक कर लेना है? अलग अलग जो है कंपनी का जो है अलग अलग तरीका होता है चेक करने का। आप जाएंगे सिंपल सी अलार्म में जाएंगे, वहां से आप चेक कर सकते हैं कौन सा अलार्म है, उस हिसाब से आप अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन जो चीजें होती है वाटर का इनलेट और आउटलेट टेम्परेचर, इसके बीच में 3 से 4 डिग्री का फर्क होता है, मोस्टली जो है 3 से 4 डिग्री का फर्क होता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें आपको, बेसिक सी चीजें आपको पूछी जाती है इंटरव्यू में। अगर आपको जानना है जो है टाइप ऑफ कंप्रेसर, टाइप ऑफ मीटरिंग डिवाइस, टाइप कंप्रेसर टेस्टिंग, कंप्रेसर टेस्टिंग, या फिर एक चीज और मैं भूल रहा हूँ, कंप्रेसर टेस्टिंग और कंप्रेसर रिप्लेसमेंट, कंप्रेसर रिप्लेसमेंट, कंप्रेसर जो है रिप्लेसमेंट। ठीक है, कंप्रेसर रिप्लेसमेंट के बारे में, तो कंप्रेसर रिप्लेसमेंट पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा उसको, ताकि आपको अच्छे से ज्यादा से समझ में आ जाए। इसमें करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सवाल करते हैं, ये चीज आपको माइंड में रखना है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो कैसे जवाब देना है उस हिसाब से अपना प्रिपेयर रहिए। मैं इंग्लिश में भी वीडियो बना के रखा हूँ, रेफ्रिजरेशन साइकिल, टाइप्स ऑफ कंप्रेसर, टाइप ऑफ मीटरिंग डिवाइस, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं किस तरीके से आपको जवाब देना है। तो उम्मीद है गाइस आज का वीडियो आपको पसंद आया, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड प्लीज कीप वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू गाइस।